नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिक UPSC में। तो आज हम चंद्रशेखर लिमिट के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। एक्चुअली इम्पॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा नॉलेज बेसिस पे, और कभी कभी UPPCS या कोई स्टेट एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि चंद्रशेखर लिमिट क्या होती है और इसकी जो वैल्यू है यानी कि मान है वो क्या होता है। तो आइए थोड़ा सा पहले ना उससे पहले हम थोड़ा सा इसको जो तारे हैं ना उनकी लाइफ साइकिल हम देख लेते हैं। तो जो एक जो तारा होता है ना उसकी जो लाइफ साइकिल होती है, जो जो ये देखो एक एवरेज स्टार हुआ, एक थोड़ा सा मायूसी होने भारी भारी भरकम जो तारा हुआ वो हुआ। तो जो छोट जो एवरेज स्टार होगा ना वो क्या होगा, रेड जायंट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्लेटिनी नेबुला यानी निहारिका में कन्वर्ट होगा और वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट होकर ये ठंडा हो जाएगा और ये उसके बाद मर जाएगा। यानी कि इसके जो सेंटर में होगा ना वो एक कार्बन ब्लैक कार्बन जो है वो इकट्ठा होता है और बहुत ही ठंडा हो जाता है, लास्ट में खत्म हो जाता है। लेकिन जो मैसिव स्टार होते हैं वो रेड जॉइंट रेड सुपर जॉइंट में ये कन्वर्ट होते हैं, फिर उसके बाद सुपरनोवा और इसके विस्फोट से न्यूट्रॉन तारा बनता है, ठीक है। न्यूट्रॉन तारा और एक दूसरा ब्लैक होल, और ये क्या डिपेंड करता है कि यदि इसका जो ये स्टार था जो मैसिव स्टार था इसका यदि द्रव्यमान 1.5 से 1.3 है, यानी किसके द्रव्यमान के, सूर्य के द्रव्यमान के, तो क्या होगा या ये न्यूट्रॉन ये बनेगा, ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। लेकिन यदि यही द्रव्यमान जो है 3 गुना ज़्यादा है किसके, सूर्य के द्रव्यमान के, तो वो जो मरेगा या लास्ट में उसको डिस्ट्रॉय होगा तो वो क्या बनेगा, ब्लैक होल बनेगा। तो एक्चुअली हमें थोड़ा चंद्र शुरुआत करते हैं कि क्या होता है एक्चुअली चंद्रशेखर। तो ये जो हमारे ये चंद्रशेखर जी थे ना, ये एक एस्ट्रोफिजिस्ट थे, तो इन्होंने इनको 1983 में इसके लिए नोबल पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो ये इन्होंने तारों का विस्तृतीकरण किया, तो ये कहा कि जो श्वेत वामन है ना, श्वेत वामन तारे में परिवर्तित होकर ना अपना जीवन समाप्त करते हैं, तो डिपेंड करता है कि मास किसका कितना है, ठीक है। तो उन्होंने यही बताया था कि इन्होंने ये बताया कि जैसे कि जो तारा है ना उसका द्रव्यमान 1.44 लेस मतलब हो सूर्य के द्रव्यमान से, ठीक है, जिस तारा का द्रव्यमान इससे मतलब 1.44 गुना से छोटा हुआ है सूर्य के द्रव्यमान से, तो वो श्वेत वामन में कन्वर्ट होगा और समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और जिन तारों का द्रव्यमान इससे ज़्यादा होगा 1.44 से सूर्य के द्रव्यमान से ज़्यादा होगा तो वो सुपरनोवा बनेगा, उसका विस्फोट होगा, उससे आपने मैंने बताया दिया कि एक न्यूट्रॉन तारा हो गया और एक या तो ब्लैक होल बनेगा। वो 1. जो लगभग अप्रॉक्सीमेट मतलब 5 है और से 3 तक और 3 से ज़्यादा होगा तो वो ब्लैक होल कन्वर्ट होगा और ये वाला जो कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन तारा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली हमारी जो लिमिट होती है ना ये चंद्रशेखर लिमिट 1.44 को ही हम चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी जैसे उसका मास होगा ना तो लेस देन आर इक्वल टू 1.44 इंटू मास ऑफ सन, ठीक है। तो यही जो है चंद्रशेखर लिमिट हुई। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।